पुतिन का पूरा फोकस डोनबास पर है और वहां के शहरों से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। ऐसी बमबारी 24 घंटे और 7 दिन हो रही है। ऐसी कयामत डॉनबास के हर मोर्चे पर टूट रही है। ऐसा कहर बरपा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की फौज सर पर पैर रखकर भाग रही है। मरने वालों के आंकड़े मिलने मुश्किल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अब तो डॉनबास में एक खुला कब्रिस्तान बन चुका है जो ज़ेलेंस्की को बहुत डराने जा रहा है। जून के आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि डॉनबास की लड़ाई अचानक पलटी और पुतिन का बवंडर ऐसा चला कि ज़ेलेंस्की चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की को इस बात का होश है कि उनके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है? क्या ज़ेलेंस्की ने अखबार पढ़ने भी बंद कर दिए हैं, या वो इंटरनेट पर भी खबरें अब नहीं देख रहे या देखना नहीं चाहते? अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि डॉनबास में अब यूक्रेन की फौज बचने का रास्ता तलाश रही है। ब्रिटेन का द गार्डियन छाप रहा है कि डॉनबास को बचाना अब ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। जर्मनी का डॉशे विले बता रहा है कि डॉनबास के बड़े शहर सेवरोदोनेत्स्क को पूरी तरह घेर लिया गया है और अगर ये बातें ज़ेलेंस्की की समझ में नहीं आ रही तो वो अल जजीरा पढ़ें, जिसमें सेवरोदोनेत्स्क को हारने का मतलब बताया गया है। Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українські. ज़ेलेंस्की 24 फरवरी के बाद से सेल्फी वाले कई वीडियो बना चुके हैं। कीव से लेकर मारियोपोल और खार्कीव से लेकर सेवरोदोनेत्स्क में भारी बमबारी के बीच उनकी स्टेटमेंट दुनिया लगातार देखती रही, चाहे रात हो या दिन। ज़ेलेंस्की के बयान शुरू में बड़ी खबर बनते रहे, लेकिन फिर अचानक उनकी अहमियत खत्म होती चली गई, क्योंकि ना तो मारियोपोल बचा जहां ज़ेलेंस्की की फौज उनके आखिरी आश्वासन और हौसला बुलंद करने वाले भाषणों को देखकर लड़ती रही। खेरसोन पर भी कब्जा हुआ, लुहांस्क और डोनेत्स्क पर भी पहले ही कंट्रोल खोने के साथ अब वो डॉनबास का एक बहुत बड़ा इलाका हारने की कगार पर है। अब रूस की फौज डॉनबास पर पूरी तरह हावी है। अब पुतिन ने हर मोर्चे को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी की हुई है। देखा जाए तो ऐसी बमबारी के बीच अब ज़ेलेंस्की की फौज का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो ज़ेलेंस्की तक पहुंचेंगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज पूरी तरह घिर चुकी है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज बुरी तरह डरी हुई है। डॉनबास में ज़ेलेंस्की की फौज अब जान बचाने का रास्ता तलाश रही है। हमारे पास यूक्रेन की फौज के ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो बहुत थके हुए, हारे हुए और हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने ऐसे हमले देखे हैं। उन्होंने पुतिन के उड़ते हुए रॉकेट को गिरते हुए देखा है। इसलिए इस रिपोर्ट में उनकी बातों को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उसमें यूक्रेन की उभरती हुई तस्वीर साफ झलक रही है। यूक्रेन की एक स्पेशल फोर्स के कमांडर ने माना है कि उनके तहत आने वाली फोर्स के 80% कमांडो अब लड़ने लायक नहीं बचे हैं, या तो वो मर चुके हैं या वो घायल हैं। На 100% укомплектований військовослужбовцями контрактної служби. Тобто це люди, які служать вже не перший контракт. Тобто 80% з них зараз є або вже не боєздатними через важкі поранення, або загиблі. You can't sustain those sort of losses indefinitely, can you?
Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Важко. रूस के हमलों से यूक्रेन की फौज का बहुत बुरा हश्र हुआ है। जैसा कि हमने बताया, डॉनबास की जमीन अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुकी है। इस पर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के कमांडर अलेक्जेंडर ने एक इलाका दिखाया जहां उनके कमांडो और बाकी सैनिकों की लाश खेतों के बीच पड़ी हुई है और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब डर उन बारूदी सुरंगों का है जो रूस के हमले में यहाँ हर तरफ फैली हुई है और उनको ठीक ठाक पता भी नहीं कि कहां किसकी लाश पड़ी। इसलिए आप इस फील्ड को डॉनबास का खुला कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। Навіть приблизно сказати не можу. В цій частині там близько там 40 чоловік. А по тій стороні переправи, там, де було розбита артилерія і підірвалось на мінах, ну там я не знаю, ну там порядка там 150. Юкрейн की आर्टिलरी फोर्स कैसे रूस का निशाना बनी? अब वो तस्वीरें देखिए। जब उसने अमेरिका की सप्लाई की गई M777 तोप को निशाना बनाया और ये सब कुछ ड्रोन के हमलों के जरिए किया गया। रूस के इन हमलों ने ज़ेलेंस्की के उस गुरूर को तोड़ने का काम किया जिसमें वो नई आर्टिलरी से रूस को पीछे धकेलने का दम भर रहे थे। Ну, ми рідко просто так сидимо. Як правило, ми стараємося займатися, тому що багато під час ведення активних бойових дій з'являється багато поранених, є загиблі. Їх міняють на нових людей. Нові люди менш підготовлені, ніж люди, які були з нами ізначально. Тому приходиться постійно проводити заняття. रूस के चौतरफा हमलों के बीच अब कमांडर अलेक्जेंडर को कौन समझाएगा कि यूक्रेन की फौज के अंदर कैसी अफरा तफरी फैली हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क के आसपास का हाल दिखाया गया है, लेकिन सवाल तो यूक्रेन के डॉनबास जैसे बड़े हिस्से का है। ऐसे में डॉनबास में हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि लगता है कि ज़ेलेंस्की सब कुछ जानते हुए भी जीत वाला ख्वाब देखकर दिन में भी सो रहे हैं। Складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що гора все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції. Пичле ек хабте се є хабар лагатар а рахі хе, кі Северодонецьк ко Юкрейн аб нахі бача паєга. Ор аб то ваха Зеленський ке гавернер не бі Рус кі бартні бомбарі ке біч хатіяр далне ка елан кар дія хе. Ісі ілаке ме Юкрейн ке 2000 се зяда сенек фас гае хе. और उनका निकलना अब पुतिन के रहमोकरम पर है। ज़ेलेंस्की की फौज का हिस्सा इरीना से मिली, जो मोर्चे पर घायल हुए फौजियों की मरहम पट्टी करती है, यानी इस युद्ध में वो मेडिकल ब्रांच से हैं। डॉनबास के खोले हुए कब्रिस्तान के बारे में इरीना जानती है और यूक्रेन की फौजियों की लाशें खोले में पड़े हुए देख कर उनका हौसला भी पूरी तरह डगमगा चुका है। Guys that come here, they are not professional, they don't know what to do, and they are really very scared, so that's why I'm caring. That worries you, does it? Yeah. Yeah. I just feel I need to sleep, like for a few weeks, just sleep, watching Netflix, eating like food from fast food delivery, yeah. And hug my mom. यूक्रेन में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन पुतिन के हमले नहीं थमे हैं और ना ही थमने वाले हैं। कीव में नाकामी मिलने के बाद मारियूपोल पर फोकस करने वाले पुतिन इस वक्त डॉनबास को हर कीमत पर अपने कब्जे में चाहते हैं और ये वो करके भी रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने वाली कोई ताकत नजर नहीं आ रही। पुतिन का इरादा बहुत साफ है, वो यूक्रेन के दो बड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में अब कुछ नहीं बचा और ये युद्ध अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें ये दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। पुतिन के दावों, पुतिन के दमखम और पुतिन के गुस्से के बीच यूक्रेन बड़ी त्रासदी झेल चुका है और आगे भी झेलता रहेगा, इसकी पूरी गारंटी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। यूक्रेन के कई शहर बहुत हद तक खाली हो चुके हैं, छोटे छोटे कस्बों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
बुजुर्गों और बच्चों के साथ पूरे पूरे परिवार यूरोप और आसपास जाकर आसरा ले रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी जान बचाने का है और किसी तरह यूक्रेन से निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचने पर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि अब तक करीब 53 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ये ट्रेन इस वक्त डॉनबास से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जा रही है, जहां से ये आगे शरणार्थी कैंपों या उन इलाकों में जाएंगे जहां अभी जंग नहीं पहुंची है। डॉनबास सबसे बड़ा वॉर जोन बना हुआ है। हर घंटे कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाइल गिर रही है और तोपखाने तो 24 घंटे खुले हुए हैं। चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस की फौज, यूक्रेन में डॉनबास का बहुत कुछ गुजर चुका है और बहुत कुछ तबाह होना बाकी है, क्योंकि इसके पीछे लड़ते रहने की जिद है। चाहे ज़ेलेंस्की हो या फिर पुतिन, कोई भी थमने को तैयार नहीं है। Хорошо рассказывать, если стены дребезжат и окна дребезжат, и не знаешь, куда прятаться. Ракеты летят. Мы поняли, что 9 килишов. Побомбили дуже багато. Дуже багато. Що там? Вот так и хату розбомбили. Агле 24 घंटे डॉनबास के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि सेवर दोनेत्सक के साथ कई और छोटे बड़े शहर और कस्बे रूस के कब्जे में आएंगे या फिर आने की कगार पर होंगे। इन सब के बीच पुतिन का इरादा एक बार फिर कीव की तरफ बढ़ने का है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। ये डॉनबास के युद्ध ने साबित कर दिया है, इसलिए युद्ध अभी और तेज होगा, भीषण होगा, इसमें कोई शक नहीं। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग के दौरान एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं है। पुतिन के इस ऐलान को डिकोड करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन का सनसनीखेज ऐलान। G7 सम्मेलन के ठीक पहले किया ऐलान। बेलारूस को मिलेगा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम। पुतिन का ऐलान यूरोप के लिए खतरे का अलार्म। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 122 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब इस जंग के खत्म होने के आसार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों के यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहना। चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका समेत नेटो को कई बार सख्त लफ्जों में ऐसा न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो ऐलान किया है उससे पूरी दुनिया परेशान है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से एक मुलाकात के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अब रूस अपने पड़ोसी और सहयोगी बेलारूस को अपना एक खतरनाक और घातक हथियार इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देगा। Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном. Раштпати Путин
ये ऐलान 25 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच हुई एक मुलाकात के दौरान किया। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के मुताबिक रूस आने वाले महीनों में बेलारूस को इस्किंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने वाला है। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके जरिए कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी ऐलान किया कि रूस बेलारूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण करने में भी मदद करेगा ताकि उनके जरिए न्यूक्लियर मिसाइलें दागी जा सके। रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका खुलासा खुद राष्ट्रपति पुतिन ने कर दिया। американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200 в 6 европейских странах членов Североатлантического блока НАТО. И для их возможного применения подготовлено 257 самолетов и не только. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान भी चौंकाने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका ने नेटो के 5 देशों में कहां कहां और कितने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों मसलन बेल्जियम, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में अपने सैन्य ठिकानों पर परमाणु बम छिपा कर रखे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी और द नीदरलैंड्स में 20-20 न्यूक्लियर वेपन रखे हैं। इटली में अमेरिकी सेना के 2 सैन्य ठिकानों में 70 परमाणु बम रखे हुए हैं। तुर्की में अमेरिकी आर्मी बेस पर 50 परमाणु बम रखे हुए हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान और ऐलान का मतलब ये निकलता है कि पुतिन अमेरिका समेत नेटो से जंग की तैयारी कर चुके हैं, और इसी के चलते उन्होंने G7 समूह की बैठक के ठीक एक दिन पहले बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। आइए अब आपको बताएं कि आखिर रूस का इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम कितना घातक है और जंग के सूरत हाल में इसके जरिए कैसे दुश्मन सेना पर कहर बरसाया जा सकता है। इस्कंदर एम एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इस्कंदर एम R-500 मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें Mach 7 की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। R-500 मिसाइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने की क्षमता है। इस्कंदर एम बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें छोड़ सकता है। इस्कंदर एम के जरिए कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। यूक्रेन जंग में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के जरिए कहर बरसा रही है। आइए अब आपको ये भी समझाए देते हैं कि अगर बेलारूस में इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम तैनात होता है तो यूरोप के कितने देश राष्ट्रपति पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। मसलन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन तो वो देश हैं जिनके तमाम शहरों को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। जंग की सूरत में अगर इनसे लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें दागी गईं तो यूरोप के तमाम देश इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की जद में आ जाएंगे। बेलारूस में इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने इस ऐलान के साथ कई निशाने साधे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती के जरिए नेटो के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी की शुरुआत कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान जर्मनी में होने वाले G7 समूह देशों के सम्मेलन के ठीक एक दिन पहले किया।
यानी अपने ऐलान के जरिए राष्ट्रपति पुतिन ने G7 देशों को एक बड़ी चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान में नेटो समूह के देशों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी छिपी है, क्योंकि 29 और 30 जून को नेटो का सम्मेलन होने वाला है और नेटो के कई देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा नेटो सम्मेलन के ठीक पहले पुतिन का ऐलान नेटो के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं है। 24 जून को अमेरिका ने पुतिन की नाराजगी के बावजूद यूक्रेन को अपना हाईमार्स रॉकेट सिस्टम दे दिया। अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। यानी बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने के पीछे पुतिन का असल मकसद अमेरिका को ये जता देना है कि वो उससे भी सीधी जंग के लिए तैयार है। नेटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच के इलाके कलिनिनग्राद में रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम पहले से ही तैनात कर रखा है। क्योंकि कलिनिनग्राद रूस की सरहद से जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा रूस कलिनिनग्राद तक जाने के लिए लिथुआनिया की जमीन का इस्तेमाल करता है। हाल ही में लिथुआनिया ने कलिनिनग्राद तक जाने के लिए रूस पर अपने देश की जमीन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिहाजा रूस ने लिथुआनिया को भी ये चेतावनी दे डाली है कि वो अपने फैसले पर अच्छी तरह से सोच ले। यानी रूस और नेटो के बीच जंग शुरू होने के लिए लिथुआनिया एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पोलैंड और रूस के रिश्ते तो वैसे ही लंबे वक्त से खराब चल रहे हैं, और यूक्रेन जंग के दौरान जिस तरह पोलैंड पहले दिन से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, उससे राष्ट्रपति पुतिन पोलैंड से काफी खफा हैं। इसके अलावा नेटो देश पोलैंड के जरिए ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लाइन को बनाए रखे हुए हैं। इसको लेकर भी राष्ट्रपति पुतिन पोलैंड से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इतना ही नहीं, चेचन कमांडर रमजान कादिरव तो पोलैंड पर हमला करने की बात भी कर चुका है। इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी यूक्रेन जंग पर पोलैंड और लिथुआनिया के रुख को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि पोलैंड और लिथुआनिया के आक्रामक रवैये को देखते हुए लगता है कि वो दोनों जंग करने पर आमादा हैं। Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Политика на конфронтацию. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बेलारूस के पास अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के युद्धाभ्यास को भी हालात को बिगाड़ने और भड़काने वाला बताया। Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति लुकाशेंको को बेलारूस की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और ये भी कहा है कि वो अमेरिका और नेटो की भड़काने वाली कार्रवाई के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बार अपने एक ऐलान के जरिए अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन को ये बता दिया है कि वो उनसे सीधी जंग के लिए तैयार हैं और यूक्रेन जंग कभी भी यूक्रेन से बाहर निकलकर पूरे यूरोप को इस बड़ी जंग की आग में झुलसा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग की तपिश से अमेरिका भी इस बार बच नहीं पाएगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की के युद्ध के बीच एक और युद्ध शुरू होने की रिपोर्ट मिल गई है और यह कहा जा रहा है कि युद्ध बस होने ही वाला है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा।
दुनिया की सबसे सीक्रेट साजिश क्या हो सकती है? वर्ल्ड मैप पर सबसे बर्निंग पॉइंट देख लीजिए, कुछ कुछ अंदाजा मिल जाएगा। इसमें यूक्रेन है, रूस है, ताइवान है, चीन है, जापान है, कोरिया है, अमेरिका भी है, सीरिया भी है, लीबिया भी है, तेहरान से लेकर तेल अवीव तक है। और इन सब के बीच लेकिन दुनिया के दो कोने ऐसे हैं जो सबको सरप्राइज करेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन में दोस्ती हो सकती है, चीन और ताइवान के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं, दोनों कोरिया फिर मिल सकते हैं, किम जोंग उन भी अमेरिका से दोस्ती कर सकता है। लेकिन दुनिया में एक युद्ध ऐसा है जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि डर है उसमें एक का अंत होगा। इसी एजेंडे में फंसे हैं ईरान और इजराइल, ऐसे देश जिनकी दुश्मनी की मिसाल दी जाती है। सबसे बड़ा खतरा जुलाई में है, क्योंकि जून में शुरू हुआ एक ताजा ताजा बवंडर दुनिया को अब एक और बहुत बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। ईरान की स्पेशल फोर्स हाई अलर्ट पर है, इजराइल की एयरफोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकती है। दोनों के टारगेट पर है दुनिया की सबसे सीक्रेट साजिश, क्योंकि बहुत बड़े तूफान के आने से पहले ईरान और इजराइल दोनों की सरकार ने ऐसे ऑर्डर जारी कर दिए हैं जो यूक्रेन से भी लंबे युद्ध और इससे भी खतरनाक तबाही की वजह बन सकते हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल दोनों की ही फोर्स 24 से 48 घंटे चलने वाले एक ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है, बस इंतजार फाइनल फरमान का है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए पिछले हफ्ते और जून महीने की कुछ हेडलाइंस देख लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। ये इजराइल, ईरान, अमेरिका और यूरोप का मीडिया है जो बता रहा है कि जून में ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नौबत अब एक बहुत ही सीक्रेट मिशन की आ चुकी है। इजराइल का मोसाद तुर्की में ईरान के किडनैपिंग मिशन को नाकाम करने का दावा कर रहा है, तो ईरान अपने यहाँ मोसाद की गिरफ्तार एजेंट्स पर सजा देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सरेआम फांसी भी हो सकती है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है और अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दो देशों के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया यूक्रेन से भी बड़ी तबाही का सामना करेगी। تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل را بر نمیتابیم و جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات تخریب کننده این رژیم در بحث‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران دست بسته نخواهد ماند. سمودری ویاپار سے لے کر تیل کے دام تک इन सब के साथ पश्चिम एशिया में बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि टारगेट पर फिर तेहरान और तेल अवीव जैसे शहर नहीं होंगे, इसमें और देश भी चपेट में आएंगे, और फिर जिन देशों पर खतरा होगा उसमें सऊदी अरब भी होगा, लेबनान भी होगा, संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, जॉर्डन भी होगा, कतर के अलावा कुवैत और बहरीन भी होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल की टक्कर के शोले इन सभी जगहों को भी जलाकर राख कर सकते हैं। इनमें से कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध कायम हुए हैं और आगे भी डिप्लोमेटिक संबंध बनने के आसार हैं। इसलिए इन देशों पर ईरान का गुस्सा पहले फूटेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि ईरान की मिसाइलों को लेकर इन देशों की हिफाजत कौन करेगा? הנושאים המרכזיים בחזון הזה של שיתוף הפעולה הזה הוא מה שאני קורא לו Mid-Elite Air Defense. הוא יכול לסייע בכל מה שקשור בניסיונות איראן לפגוע במדיניות האזור באמצעות רקטות, טילים ושיוט, טילי שיוט וכתבמים.
הרעיון הזה כבר בפעולה והביא לסיכול ניסיונות איראנים שדיברתי עליהם במסדנות אחרות, גם כאן וגם במזרח התיכון בכלל. अब समझिए कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच चल रही टक्कर में मोसाद क्यों चर्चा में है। मोसाद के एजेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इजराइल का दावा है कि उसने तुर्की के साथ मिलकर ईरान के एक हमले को नाकाम कर दिया है जिसके निशाने पर इजराइल के नागरिक थे। बताया जा रहा है कि इजराइल के एक पूर्व राजनयिक पर हमले की तैयारी थी, साथ ही इजराइल के कई पर्यटकों को किडनैप करने की प्लानिंग भी की गई थी। तुर्की की पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है जिसमें कई शार्प शूटर भी शामिल हैं। ये इस्तांबुल में एक होटल और एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। ईरान के डर से इजराइल ने अब अपने नागरिकों को तुर्की जाने से मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि इस्तांबुल में इजराइल के नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है। האלה אנחנו גם עדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחול. זרועות הביטחון של ישראל פועלים כדי לסכל ניסיונות פיגוע עוד בטרם מציאתם לפועל. אנחנו נמשיך לפגוע בשולחי המחבלים ובשולחי שולחיהם. הכלל החדש שלנו, מי ששולח... अब इजराइल के लोगों के लिए तुर्की में ऐसा खतरा क्यों उठा, इसे समझने के लिए ईरान और इजराइल के बीच टारगेट किलिंग वाली हिस्ट्री बहुत कुछ बता सकती है। ईरान का दावा है कि उसने मोसाद के एजेंट पकड़े हैं जो उसके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करना चाहते हैं। ईरान ने 8 महीने तक एक ऑपरेशन चलाया, तब जाकर मोसाद के एजेंट उसके कब्जे में आए। इनमें एक महिला है जो ईरान के सरकारी दफ्तर में काम करती है। ईरान के स्पेशल फोर्स और ईरान की इंटेलिजेंस इस वक्त बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इजराइल के निशाने पर ईरान के वैज्ञानिक रहे हैं। ईरान के मुताबिक इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उसके वैज्ञानिकों की हत्या करवा रहा है। इजराइल को लगता है कि अब ईरान अपने वैज्ञानिकों का बदला लेने के लिए उसकी जमीन पर नहीं तो किसी और देश में उसके सॉफ्ट टारगेट पर अटैक कर सकता है। לצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל באזרה להימנע בעת הזאת מלטוס לטורקיה אם זה לא הכרחי, בדגש מיוחד על איסטנבול. הסכנה שם עדיין גבוהה. אני קורא לאזרחי ישראל לגלות אחריות אישית ולשמור על ביטחונם. ईरान और इजराइल की टारगेट किलिंग वाली टैक्टिक्स को समझने के लिए सबसे बड़ी मिसाल ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से दी जा सकती है। जनरल सुलेमानी की हत्या बगदाद में की गई थी जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में उनकी जान ली गई। ये सब डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद हुआ था जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। ये ईरान के खिलाफ हुई टारगेट किलिंग में सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसका बदला भी लिया जब उसने इराक में मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डे पर कई मिसाइलों से हमला किया था।